राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और वैसे आपको देख के लग रहा होगा कि आज मैंने चश्मा क्यों लगाया है और चश्मा लगा के मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ। तो बात करती हूँ चश्मे की। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं डॉक्टर के गई थी, अभी प्लास्टर है मेरे पैर में, ये रहा, और इस पर थोड़ी सी नक्काशी भी कर दी है मेरी फ्रेंड ने, तो प्लास्टर अभी है। और अभी 3 तारीख उन्होंने बोला है, 3 तारीख को मुझे दोबारा जाना है, उसके बाद पता चलेगा ये कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये रही मेरी प्लास्टर की अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए प्लास्टर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो फ़िलहाल अभी यही है। और सेकेंड थिंग कि आज मैंने चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि चल रहा है आई फ्लू, चल रहा है ना, यस, बट मुझे नहीं हो रहा है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टिल अभी आई फ्लू बहुत हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी जो नोटिस किया जा रहा है, मैंने भी जो नोटिस किया है वो भी छोटे बच्चों में बहुत हो रहा है, जो भी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में भी हैं ऐसे जो गॉगल लगा के आते हैं। और आज रिसेंटली मैं क्लास ले रही थी, क्लास लेते लेते एक बच्चे की आँखों में से पानी आने लगा, तो फिर जाहिर सी बात है, हाँ, बैठ के मैं उसको देख तो रही थी, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तो उसने बोला कि मैम आँख में जलन हो रही है, तो मुंह धुलवाया और मुंह धुलवाने के बाद उसको हेड डाउन करा दिया और उसके घर पे कॉल कर दिया, तो उसके पेरेंट्स आ गए थे। तो जाहिर सी बात है आई फ्लू इतना हो रहा था, एक दूसरे के को देख देख के आई कॉन्टैक्ट जब होता है तो ये तो फैलता ही फैलता है। तो अभी आप लोग भी, बच्चे जो हैं और जो बड़े हैं, ऑफिस जाते हैं, हाउसवाइफ भी बाहर जाती हैं सामान खरीदने के या किसी के लिए, और जो वर्किंग वूमेंस हैं, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता है ना तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि फिर 2 दिन की बेकार में छुट्टी हो जाएगी। चलो छुट्टी भी ना करें हम लोग, इसको लगा के रखें तो भी, तो प्लीज़ ध्यान रखें, आई फ्लू बहुत बहुत फैल रहा है ना। तो मैं वंशिका से बात कराती हूँ आपको, है वंशिका? हेलो, आई फ्लू हो रहा है? मेरी क्लास में बहुत बच्चों को हो रहा है। किसको बताओ, जोर से बताओ। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों को हो रहा है और उन्होंने फिर छुट्टी ले रखी है, प्रिंसिपल मैम ने उन्हें अलग बिठा रखा है, उनसे बोला है क्लासेस वेयर करके आने हैं और किसी की भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो मैं ध्यान रखना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि अगर किसी को ऐसा दिक्कत होती है तो घर पर 2-3 दिन रेस्ट करें, ठीक है। वैसे कुछ लोग हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है इस तरफ का जहाँ हम रहते हैं, वहाँ थोड़े गाँव के लोग रहते हैं, तो वो बताते हैं जैसे ऐसे हो रहा है तो गुलाब जल डाल लें, पतंजलि की जो मेडिसिन आँख वाली होती है जिससे बहुत ठंडक मिलती है वो डाल लें, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, आइस बर्फ़ लेकर उसकी सिकाई करें तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना पहले भी बहुत हुआ करता था बच्चों को, हम लोगों को भी बचपन में बहुत हुआ था, जब ऐसा सीज़न होता है ना बरसात वाला, उस टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं गर्मी इतनी हो जाती है, ना ठंडक का पता ना गर्मी का पता, तो जिसकी वजह से हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और तब ये हो जाता है, लाल लाल होती है, पानी निकलने लगता है, जलन होने लगती है, तो इस तरह से होता है। तो ध्यान रखें अपना, अगर कहीं देख रहे हैं किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी हेल्प कर दें और अपना गॉगल अपने पास रखें। तो भाई आज भी मेरे ब्लॉग में इतना ही है कि मुझे आपको बताना था कि भाई ये ऐसा नहीं है कि सूरज से ही बचाता है गर्मी, ठीक है, आँखों को सूर्य की रोशनी से बचाता है, ज़्यादा धूप से बचाता है, ये हमारे लिए प्रोटेक्टर का भी काम करता है और अच्छा है। आशा करती हूँ आप लोग भी सब सही होंगे, ध्यान रखिए अपना, राधे राधे।